सभी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल सक्सेस विद सीटेट को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड चैप्टर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी विच इज इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो आज की इस सिंगल वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कम्प्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चा जो है वो गुणनफल होता है अपनी अनुवांशिकता और वातावरण का। ये दोनों ही फैक्टर्स यानी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं एक बच्चे की वृद्धि एवं विकास में। तो आइए जानते हैं व्हाट इज हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता। ये वो प्रोसेस होती है यानी ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक बच्चा जो है कुछ हद तक अपने माता पिता की शारीरिक, मानसिक और सांवेगिक गुणों को एक्वायर कर लेता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चे की आंखों का रंग होता है या फिर उसके बालों का रंग जो होता है वो काफ़ी हद तक अपने माता पिता से मिलता है। और हेरिडिटी जो है वो फिक्स्ड होती है, उसे हम अपने नीड के अकॉर्डिंग कभी भी चेंज नहीं कर सकते। और हेरिडिटी जो है वो हमें जीन्स या फिर क्रोमोसोम से मिलती है। अब जानते हैं व्हाट इज एनवायरनमेंट। जैसे ही एक बच्चे का जन्म होता है वो सबसे पहले अपने वातावरण यानी एनवायरनमेंट के संपर्क में आता है और वातावरण में सजीव और निर्जीव चीज़ें दोनों ही उपस्थित होती है। और ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम एक बच्चे को अच्छा वातावरण प्रोवाइड कर सके ताकि जो उसकी वृद्धि और विकास है वो अच्छे तरीके से हो सके। तो यही था हमारा आज का ये चैप्टर इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एनवायरनमेंट। तो ये वीडियो जो है वो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।